एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेजल नॉरिस. सो लेजल नॉरिस बेसिकली एक वेल्श पोएट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है एंड उन्हीं में से शॉर्ट स्टोरीज में से एंड पोएम्स में से उनकी एक पोएम है अ टाइगर इन द जू. सो नाउ इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, आप मुझे ये बताओ आप में से कितने सारे लोग जू गए हैं एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. वेल, जहाँ तक कि मुझे पता है जब मैं जू गई थी और मैंने देखा था तो वहाँ जितने भी एनिमल्स थे वो मुझे ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आए, वो ज़्यादा लेज़ी नज़र आए एंड वो हैप्पी भी नहीं थे और होंगे भी कैसे क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं थे. क्योंकि एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट्स क्या है? फॉरेस्ट. सो अगर हम उनको केज करके किसी जू में रखेंगे तो क्या वो खुश रह पाएंगे? नो. सेम केस अगर हम ह्यूमंस के साथ करते हैं, अगर हम ह्यूमंस को भी केजेस के पीछे बंद कर देते हैं तो क्या वो खुश रह पाते हैं? नहीं, राइट? हम और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और एंग्री हो जाते हैं. तो फिर हम एनिमल से ये सब चीज़ें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो इस पोएम में भी जो पोएट हैं वो इसी चीज़ के बारे में बात करें. सो इस पोएम में पोएट ने एक कॉन्ट्रास्ट किया है टाइगर को लेकर. अब कैसे? उन्होंने दो इमेजेस बताई हमें, एक टाइगर जो कि जू के अंदर है उसका बिहेवियर किस तरीके से वो नज़र आता है एंड एक उस टाइगर का या फिर सेम टाइगर को अगर हम उसके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं सो उसका जो नेचर है किस तरीके से निकल के आता है. सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट दैट इज फॉरेस्ट. सो वो बिगिन करते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quiet in his quiet rage. So इसमें first important या first difficult word है vivid. अब vivid का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो intensely deep हो या जो काफ़ी ज़्यादा bright हो. So इसमें क्या कह रहे हैं, describe कर रहे हैं tiger को and जैसे ही आपने इसको पढ़ा होगा आपको समझ आ गया होगा पहले stanza में वो tiger in the zoo की बात कर रहे हैं जो कि cage के अंदर है. वो कहते हैं कि वो उस केज में बंद है, उसकी जो स्ट्राइप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही हैं एंड वो उसके अंदर जिस तरीके से बंद है जो उसके नीचे फ्लोर है. अब उन्होंने यहाँ पे एक तरह का मेटाफर यूज़ किया है. अब मेटाफर उन्होंने यूज़ किया है किस चीज़ का? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. सो जो उस टाइगर के पॉज हैं या क्लॉज हैं अब वो नीचे से इतने स्मूथ हैं, इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि वेलवेट के होते हैं. सो उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे इसको कंपेयर किया है इन हिज क्वाइट रेज. मतलब क्वाइट रेज का मतलब गुस्से में. शांत भी है वो लेकिन उसके अंदर काफ़ी गुस्सा भी है. अब गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसीलिए है क्योंकि वो अपनी नेचुरल जगह पे नहीं है जहाँ उससे होना चाहिए. वो एक बार के पीछे, वो एक केज के पीछे बंद है. सो अगर हम यहाँ पे एक और लिटरेरी डिवाइस को देखें, टेंशन मत लीजिएगा मैं आपको लास्ट में सारे के सारे बता दूंगी बट मैं पैराग्राफ वाइज आपको जस्ट बता रही हूँ. सो उन्होंने एनिमल्स के लिए यूज़ किया है ही या फिर टाइगर के लिए उन्होंने यूज़ किया है ही. अब जनरली एनिमल्स के लिए हम कभी ही नहीं यूज़ करते, इट यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे ही इज पर्सोनिफाइंग ह्यूमन जो आप कह सकते हैं क्वालिटीज़ है वो टाइगर को दे रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. अब नेक्स्ट में जैसा कि टाइगर होना चाहिए अपने फॉरेस्ट में वैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बेसिकली उसको ऐसा होना चाहिए कि वो किसी यू नो टॉल ग्रास के पीछे छुपा हुआ है, वहाँ से देख रहा है अपने प्रे को. एंड इसी तरीके से हम इमेजिन करते हैं ना टाइगर को कैसे छुपके शिकार करता है वो, राइट? पानी की जगह है, वहाँ पे सारे एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं जैसे कि डियर आ गया, एंटीलोप आ गया, जैसे हमने बहुत बार डिस्कवरी वगैरह चैनल्स पे देखा है. हाँ, तो उसी तरीके से वो उसका रियल नेचर है एंड ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत है. क्यों? क्योंकि टाइगर अपने मज़े के लिए थोड़ी ना हंट करता है, वो हंट इसीलिए करता है बिकॉज ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है एंड ये उसको इसीलिए भी करना पड़ता है. एक तरीके से हम कह सकते हैं वो इकोसिस्टम को मेंटेन करता है. अगर वो टाइगर डियर्स को नहीं खाएगा, एंटीलोप्स को नहीं खाएगा तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी एंड इसकी वजह से जो पूरी इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा. सो एक तरीके से हम जिसे पोटेंशियल थ्रेट मानते हैं, हम जिसे मानते हैं कि ये हमारी जान के लिए खतरा है लेकिन एक्चुअली में वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है,
सो यही है टाइगर का नियर नेचर, वो हंट करता है, वो छुपता है, यही उसकी क्वालिटीज़ हैं। ये नहीं है कि वो एक केज के पीछे चुपचाप बस गुस्से में रहे। अगर उसको गुस्सा भी आता है नेचुरल हैबिटेट में, सो ही कैन रन हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ पे वो कैसे करे? सो यही है, ही शुड बी लर्किंग। अब लर्किंग का मतलब क्या होता है? मतलब शांत तरीके से देखना, यानी कि आप कह सकते हैं रिमेनिंग हिडन, ताकि जैसे आप कुछ करने वाले हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि टाइगर जब शिकार करता है तो टॉल ग्रास के पीछे होता है एंड वहाँ से देखता रहता है छुपके, एंड देन एकदम से वो पाउंस करता है अपने प्रे पे। सो दिस इज वॉट लर्किंग इज, नियर द वाटर होल वेयर पम्प डियर पास। प्लम्प डियर का मतलब क्या होता है? प्लम्प मतलब फैट, ठीक है। नेक्स्ट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, टेररिजिंग द विलेज। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमें इस लाइन से इसका लिटरल मीनिंग नहीं देखने। यहाँ पे उन्होंने बोला है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। अब बिकॉज ह्यूमन बींग्स इतनी जल्दी डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हम एनिमल्स से उनका नेचुरल हैबिटेट यानी कि उनके जो फॉरेस्ट हैं वो छीन रहे हैं। हम उनके फॉरेस्ट को काट के अपने घर बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, एंड जो विलेजेस हैं, विलेजेस में भी फायरवुड जो है वो यूज़ होती है फ्यूल के लिए। सो दैट इज़ वाई वो वुड कट करते रहते हैं, कट करते रहते हैं। तो मतलब कि वो अपना जो एरिया है वो एक्सपैंड कर रहे हैं और जो एनिमल्स का एरिया है उसको कम कर रहे हैं। इसीलिए जंगल में और जंगल की एज पे जहाँ पे यूजुअली हाउसेज होते हैं वहाँ पे बहुत कम डिफरेंस होता है। एंड यूजुअली ऑब्वियसली बात है, जब हम सारे एनिमल्स को यूज़ करते हैं, गोट्स हो गए, शीप्स हो गए, इन सब चीज़ों को हम अपने लिए ही यूज़ कर रहे हैं, राइट? अब टाइगर को अगर हंट करना होगा, जब उसको ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगी, तो वो घरों के पास ही आएगा, एंड वो घरों के पास लोगों को मार के खाने के लिए नहीं आता। यही पोएट बता रहे हैं कि यहाँ पे वो लोगों को डराने के लिए आता है, सिर्फ खाने के लिए नहीं आता। अनटिल एंड अनलेस अगर उसको कोई प्रोवोक नहीं कर देता इस लेवल पे कि वो इतना ज़्यादा खूंखार हो जाए, इतना ज़्यादा फिरोशियस हो जाए, तब तक वो अटैक नहीं करता। सो इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए टाइगर, ऐसा नहीं होना चाहिए जो डर के रहना चाहिए। सो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग मतलब आपने बहुत बार देखा होगा जब डॉग्स को आप छेड़ते हो, अगर वो इरिटेट हो जाते हैं तो अपने टीथ दिखाते हैं एंड वो ग्राउल करते हैं। सो उस चीज़ को कहते हैं स्नार्लिंग। तो एक तरीके से जो टाइगर है वो स्नार्ल करता है अराउंड हाउसेस एंड एट द जंगल्स एज, अपने वाइट फैंग्स दिखा के, उसके टीथ दिखा के, एंड हिज क्लॉज, टेररिजिंग द विलेज, मतलब पूरे विलेज को टेरर में रखता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें हर्ट करना चाहता है। हमें इस चीज़ से समझना चाहिए कि हम उनके नेचुरल हैबिटेट से उनके रिसोर्सेज को छीन रहे हैं। सो उनके पास क्या ऑप्शन है? अब वो रिवोल्ट थोड़ी ना करेंगे, राइट? नेक्स्ट, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इससे हमें समझ आता है ये टाइगर डेफिनेटली खुश नहीं है यहाँ पे। उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, आप सोचो जू के बाहर टाइगर, आप उसके फेस भी नहीं कर सकते, आप इतने डर जाओगे उसको देख के, आप टेररिज हो जाओगे। जू के पीछे टाइगर आप सामने खड़े हो, केज के अंदर है वो, तो आप अपने आप को कितना ब्रेव फील करते हो कि अरे मैं तो टाइगर देख के आया। असली में अगर कभी देख लिया सो आप डर जाओगे, राइट? सो यही डिफरेंस बता रहे हैं वो कि उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स है, एंड अगर वो बार हट जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है हमें भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम उसको जाके रोकें। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो इतना इरिटेटेड है, अब वो इतना एंग्री है, इतना अनॉयड है कि वो इधर उधर अपनी केज में वॉक अराउंड कर रहा है। अब देखो फॉरेस्ट कितना बड़ा होता है, राइट? कहीं भी कोई भी एनिमल जा सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि वो अपनी एक जगह पे बैठा रहता है, राइट? कहीं भी घूम सकता है। अब एक छोटे से जगह के अंदर, छोटी सी केज के अंदर वो कहाँ ही जाएगा? सो वो इधर उधर इन एंगर घूम रहा है एंड जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उसको देखने के लिए उन्हें इग्नोर कर रहा है। लास्ट एंजा पे आते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। बहुत ही ब्यूटीफुली एंड किया है पोएट ने इसको। वो बताते हैं यहाँ पे उसका, हमने अभी तक देखा उसका गुस्सा, लेकिन अब यहाँ पे हम उसको एक्चुअली एम्पथाइज करते हैं उसके साथ कि उस बेचारे को कैसा लग रहा होगा, क्या उसके मन में आ रहा होगा। सो ये बताते हैं ये जो टाइगर है अभी ऐसा नहीं है, इसके मन में कोई होप नहीं है।
सो क्या होता है, जैसे ज़ू बंद हो जाता है, रात का टाइम होता है, जो गाड़ियाँ आती हैं, पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं या जो उस सिक्योरिटी गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग करके जाती हैं, देखती हैं कोई इंसान अंदर तो नहीं है, गलती से कोई केज का दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया. सो इस तरीके से वो देख के जाती हैं हर जगह को सिक्योर करने के लिए. सो उनकी जो लाइट है, ऑब्वियसली एनिमल्स की आंखों में लगती ही होगी इतनी रात को. अगर आप हमारी आइज़ में ही अगर हाई बीम लाइट्स होती हैं वो चुभती हैं, तो एनिमल्स की आइज़ में तो ऑब्वियसली चुभेंगी ही. तो जब वो पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं रात को, तो वो देखता है अपनी ब्रिलियंट आइज़ से. ब्रिलियंट आइज़ यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक मतलब बताया कि बिकॉज उसकी आँखें चमक रही हैं, बिकॉज उसकी आँखों में ऑब्वियसली वो लाइट हर्ट कर रही है उसे. एंड सेकेंड ब्रिलियंट ये उसका एक फीचर है. अगर हमें टाइगर की कभी आइज़ देखी होगी, कभी भी इमेज में देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा फिरोशियस, बहुत ही ज़्यादा हमें लगते हैं कि जैसे कि कितना ज़्यादा प्राउड है वो. सो इस तरीके में उन्होंने बोला है कि वो देखता है, वो स्टेयर करता है विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. सो ही स्टेयर्स एट द स्टार्स. वो सोचता है, मे बी उसके मन में ये बात आती होगी कि मैं जहाँ पे रहता था या जहाँ मेरा नेचुरल हैबिटेट था वो इस तरह का नहीं था, एंड इन स्टार्स को देख के, बिकॉज यहाँ भी वही स्टार्स हैं, वहाँ भी वही स्टार्स हैं, मे बी उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगता हो, मे बी अपने आप को ही वो किसी तरीके से कंसोल कर लेता होगा बाय वॉचिंग दोज स्टार्स. सो यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में हम देखते हैं जो आपका टाइगर है बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी है. सो ये तो थी इसकी लाइन बाय लाइन समरी, जहाँ पे मैंने आपको हर एक लाइन का मतलब समझाया और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताए. सो थीम जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पोएट बता रहे हैं दैट वी शुड नॉट कीप एनिमल्स इन केज. हमें उनको केज में नहीं रखना चाहिए, उनके नेचुरल हैबिटेट में रखना चाहिए, उनके लिए एम्पैथी फील करनी चाहिए कि हम उनके नेचुरल एनवायरनमेंट्स उनको ला रहे हैं और एक जगह पे बंद कर रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. सो अब देखते हैं इसमें यूज़ किए हुए कुछ पोएटिक डिवाइसेस, एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेट्स हैव अ लुक. सो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो पोएम में यूज़ किए गए हैं. फर्स्ट आता है आपका पर्सोनिफिकेशन. जैसे स्टार्टिंग ऑफ द पोएम से पोएट ने टाइगर को ही करके एड्रेस किया है, इट करके नहीं किया है, जबकि वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है. ऑल्दो एनिमल्स के लिए हमेशा इट यूज़ किया जाता है, यहाँ पे उन्होंने उसे ह्यूमन बीइंग्स का ट्रेट दिया है, दैट इज़ वाई उन्होंने उसको पर्सोनिफाई किया है एंड यूज़ किया है ही. नेक्स्ट आता है आपका मेटाफोर. मेटाफोर मैं आपको एग्जाम्पल बता ही चुकी हूँ, जो उसके क्लॉज हैं वो इतने स्मूथ हैं, जो बताते हैं पोएट उसको वेलवेट की तरह कंपेयर किया गया है. वेलवेट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट होता है. सो इस तरीके से दो तरह के आइडियाज़ को, दो तरह की चीज़ों को कंपेयर किया है. थर्ड आता है आपका इंजैबमेंट. जैसे आपने देखा होगा पूरी की पूरी कुछ स्टैंजा ऐसा है इसमें जहाँ पे लाइन में कहीं पंक्चुएशन नहीं है, आप देखते हो एंड में सिर्फ एक फुल स्टॉप है. सो एक थॉट या एक लाइन रन कर रही है फर्स्ट लाइन में भी, सेकंड लाइन में भी, थर्ड लाइन में भी, इस तरीके से. नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन यानी कि टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज़ किया गया है, जैसे कि क्वाइट, रेज. क्वाइट और रेज दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं. क्वाइट मतलब शांत होना, काम होना, पीसफुल होना. रेज मतलब एंगर, जो हाइटेंड होती है. सो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं लेकिन एक साथ यूज़ किए गए हैं. एंड अब इसकी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ ए बी सी बी. जैसे हम देखते हैं रेज और केज दोनों एक साथ को राइम कर रहे हैं. सो दिस इज़ द राइमिंग स्कीम. अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो अगर हम इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, तो क्योंकि इस पोएम में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने में, लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल है, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो थीम बेस्ड या वैल्यू बेस्ड हो सकता है. जैसे मैंने आपको बताया कि पोएट क्या कहना चाहते हैं या थीम क्या है इसकी, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो बताना चाह रहे हैं कि एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में रहने देना चाहिए, उनको वहाँ से नहीं लाना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये सेम सिचुएशन हम ह्यूमंस के साथ अगर देखते हैं रिवर्स करके, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा. एंड ये उनका राइट है अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना. नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो यही है थीम से रिलेटेड अगेन, कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करो एक टाइगर में जो कि जू में है एंड सेम टाइगर जो कि अपनी नेचुरल हैबिटेट में है. सो वो मैं आपको डिफरेंस बता ही चुकी हूँ कि अपने नेचुरल हैबिटेट में हम देखते हैं वो कितना ज़्यादा प्राउड है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी नज़र आती है हमें, एंड वो लोगों को टेररिज करता है. बट यहाँ पे जहाँ पे वो केज्ड है, यहाँ पे वो सिर्फ लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए है.
सो ये तरह का जो डिफरेंस है आपकी बुक में, इसके लिए डेफिनेटली लाइन्स है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिनके मतलब उनको साइड करके आप इसको लिखोगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग.